हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तवर आपके बीच एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को बता दें कि जो एस्टेट है, सर्टिफिकेट जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, वो पहले 7 साल वैलिड हुआ करता था, लेकिन वो अब जो है लाइफ टाइम के लिए हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एस्टेट सर्टिफिकेट अब उम्र भर के लिए मान्य है। 1 लाख अभ्यर्थियों को मिली राहत, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पहले 7 साल थी वैधता। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। सेकंड जो है इसमें बताया गया है कि 2015 में जो पास कैंडिडेट थे, एस्टेट दिसंबर तक ही वैध थे, उन लोगों के जो 2015 में पास थे, एस्टेट दिसंबर तक ही वैध थे। 2015 में एस्टेट पास करने वाले 1 लाख अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट इस साल दिसंबर तक ही वैध थे, यानी कि जो दिसंबर अभी आएगा 2022 में वो अनवैलिड होना था, लेकिन अभी नए फैसले के अकॉर्डिंग जो है वो इस बार की जो परीक्षा है वो उनको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। आप देख सकते हैं 2018 में एस्टेट की शुरुआत हुई थी, हरियाणा में 2008 में एस्टेट शुरू हुआ था, और 2009 में हरियाणा पात्र अध्यापक संघ बना था, और उन्होंने टाइम समय समय पर ये मांग करते रहे हैं कि इसकी वैधता को बढ़ाया जाए। तो सरकार के खिलाफ कई उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन जो है अभी मनोहर लाल खट्टर ने इस फैसले पर अंतिम मोहर लगाई है। तो आप देख सकते हैं आगे, ये जो है ये काफी टाइम से ये जो पेच है फंसा हुआ था, लेकिन अभी इसकी जो सर्टिफिकेट की वैधता जो है उम्र भर कर दी गई है। इससे पहले 7 साल ही मान्य होता था। सीएम मनोहर लाल ने इसके फैसले पर को जो है जो एस्टेट क्वालिफाई जो पर्सन थे उनको 1 लाख अभ्यर्थी जो है उनको बड़ी राहत मिली है इस फैसले से। और आगे देख सकते हैं आप, इसको जो नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन जो है इस पे मोहर लगनी लिखित रूप में वो बाकी है, वो भी हो जाएगा। अभी ये बताया जा रहा है कि 2020 में 7 साल हुई वैधता, जो जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा सी टेट को 7 साल तक वैध करने बाद हरियाणा सरकार ने वैधता पर मोहर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद जो है अभी फैसला जो है इसके बाद नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने सी टेट की मान्यता को 7 साल की बजाय उम्र भर करने का फैसला लिया। इसका अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार ने भी एस्टेट का जो फैसला है वो उम्र भर करने का भी उन्होंने ले लिया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं उनको बार बार फीस पे नहीं करना पड़ेगा, उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो लोग क्वालिफाइड हैं वो अध्यापक बन सकते हैं। अभी जो 12,000 वैकेंसी निकलेंगी वो फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।